नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके बच्चों की उम्र उनकी क्लास के हिसाब से क्या होनी चाहिए, क्योंकि अगर उनकी उम्र उनकी क्लास के हिसाब से सही नहीं है तो उनसे आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये बातें मैंने मेरे पिछले वीडियो में बता दी है। सो अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे जल्दी कीजिए, देखिए, वरना आप बहुत सारी बातें मिस कर देंगे। सो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इधर है क्लास और इधर है एज ग्रुप, मतलब कौन सी क्लास के हिसाब से बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्लास में अगर बच्चा है तो उसकी उम्र 5 साल से 7 साल के बीच में हो। सेकंड क्लास में है तो 6 से 8 साल के बीच में हो। थर्ड क्लास में है तो 7 से 9 साल के बीच में हो। फोर्थ क्लास में है तो 8 से 10। फिफ्थ क्लास में है तो 9 से 11। सिक्स क्लास में है तो 10 से 12। सेवन्थ क्लास में है तो 11 से 13। एट्थ क्लास में है तो 12 से 14। नाइन्थ क्लास में है तो 13 से 15। टेंथ क्लास में है तो 14 से 16। इलेवंथ में है तो 15 से 17। और ट्वेल्थ क्लास में अगर बच्चा है तो उसकी उम्र 16 साल से 18 साल के बीच होनी चाहिए। इधर देखते हैं कि आइडल या बेस्ट एज क्या होनी चाहिए, मतलब अगर फर्स्ट क्लास में 5 से 7 साल के बीच में है तो बेस्ट एज क्या होती है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी लिया गया है, जैसे अगर बच्चा 5वीं क्लास में है तो उसकी जो एज है वो 10वीं साल चले। अगर 9वीं क्लास में पढ़ रहा है तो उसकी उम्र 14वीं साल चले। और अगर 12वीं क्लास में है तो उसकी उम्र 17वीं साल चले। एज सही है या नहीं पता करने का सही तरीका है कि जिस क्लास में बच्चा या बच्ची है उसमें आप 5 जोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 6 क्लास में अभी बच्चा या बच्ची है तो 6 + 5 = 11, मतलब बच्चे की उम्र होनी चाहिए 6 क्लास में 11 साल। इम्पोर्टेंट बात यह है कि मान लो ऐसी समस्या सामने आ गई, फॉर एग्जाम्पल बच्चे की क्लास सही है बट उसकी उम्र सही नहीं है, सो क्या किया जाए। इसका एक सोल्यूशन ये है कि आप बच्चे के स्कूल जाइए और वहाँ पे 100 या 50 रुपये के स्टाम्प पे उन्हें लिख के दीजिए जो भी आपकी प्रॉब्लम है। सो स्कूल स्टाफ अगले साल उसे जिस क्लास में चढ़ाएगा उसकी एज सही कर देगा। फिर जब बोर्ड का एग्ज़ाम उसका लगेगा तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ वहीं आएगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।